हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी तक हम लोग मजाक करते थे कि हमारे पास सुपर बाइकें हैं, छोटी बाइकों को लेके बहुत सारी वीडियोस बनाई कि ये Z900 है, ये CBR है, यह Yabusa है। लेकिन आज आपको देखने मिलेगी हकीकत की वही रेस जिसको हम लोग मजाक किया करते थे। होता है ना बचपन में हम लोग जिन चीज़ों से खेलते हैं, जवानी में आके उन चीज़ों को परचेज़ करने का शौक़ होता है, उसी तरह आज हमारे पास है यहाँ चार बाइकें। देख लो, अभी तीन दिख रही हैं, एक भाई हमारे लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ MT09, फिर है Z900, फिर है CBR650F और वो आ रही है CBR650R। तो इन चारों की क्वाड बैटल मज़े के लिए, मतलब फुल स्पीड फुल थ्रॉटल वाली नहीं कि एकदम हम पागल हो जाएं, वो वाली नहीं, मज़े के लिए एक क्रैश करेंगे। और ये टेम्पो भी हमारे साथ रेस करेंगे क्या नहीं करेंगे? चलो ठीक है भाई, फिर हमने कहा हमारी सुपर बाइकों के सामने टेम्पो भी रेस करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चारों बाइकों का हम जी खोल के मज़ा लेंगे अभी, मतलब दिल खोल के परफॉर्मेंस टेस्ट लेंगे इन चारों बाइकों का और आपको फील देंगे एग्जॉस्ट नोट का, हर चीज़ का। तो आते हैं बाइक पे सीधे। ओह, मेरी बाइक ये है, मैं ये चलाऊँगा आज MT09। और इसमें बहुत सारे मोड हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है, सब कुछ है इसमें। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकली बहुत ज़्यादा ये बाइक आगे है। और फर्स्ट गियर में ए मोड लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसका हम काम करेंगे कि इसका मोड हम चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड मोड पे हमने इसे लगा दिया है ताकि बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस या ये सब दिक्कतें ना आए, बिल्कुल स्टेबल रहे हमारी बाइक। कुंदन भाई क्या चलाओगे? हम चला रहे 650 CBR। ओहो, 650 R वाला वर्जन। मेरे पास 900 CC की बाइक है। 847 CC की बाइक। 900 कहेंगे हम। ना दो। हम 900 कहेंगे। अभी तक हम लोग मजाक किया करते थे कि ये Z900 पल्सर 150 को कहते थे ये Yabusa है। आज तो हकीकत में सुपर बाइक की बैटल है और भयंकर वाली बैटल होने जा रही है। ऐसे नहीं, छोटी मोटी सब 650 900 देख रहे हो। 09 CBR कौन चला रहा है? ये वो चलाएंगे, वो अंकुल भैया। आपका नाम? ये चलाएंगे। इंजेक्टेड इंडियन के नाम से, फ्यूल इंजेक्टेड इंडियन नाम से चैनल है, चेक कर सकते हो। बाकी ये चलाएंगे ये। और Z900 कौन चलाएगा? ये भाई चलाएंगे। आपका नाम? अभिनव भाई है हमारे, ये Z900 चलाएंगे और एकदम आज धुआंधार परफॉर्मेंस देंगे। सबसे तगड़ा एग्जॉस्ट इसी में है, तो सबसे ज्यादा लाउड और सबसे ज्यादा आवाज इसी की आने वाली है, बाकी सबकी आवाज छुप जाएगी। ये पहला साउंड और ये हाँ, ये स्टार्ट हो गई, खतरनाक है। और इसके सामने किसी की आवाज नहीं सुनाई देगी। चले, ओ भाई, स्टैंडर्ड मोड में टूट रही है भाई साहब। ओ भाई साहब, मैं पागल। ओ भाई साहब, पापा पूरी है, ये जीत गए क्योंकि ये बाइक बहुत स्टेबल है और इसका कारण यही है और कोई कारण नहीं, बहुत ही ज्यादा पावर है इसमें। ओ भाई साहब स्टैंडर्ड मोड होने के बावजूद कितना खतरनाक है, देख रहे हो अरे भाई साहब, स्टैंडर्ड मोड में कितनी पावर है, देखिए व्हीली ऐसे उठ रही है, बिल्कुल और ये बाइक बहुत स्टेबल है, इस पे आप कितनी भी स्पीडिंग कर लो बिल्कुल डिसबैलेंस नहीं होती है। ओ भाई साहब, दूसरे गियर में इतना जा रही है, मजा आ रहा है। ये CBR इधर चारों बाइकों की बैटल यार, खतरनाक, बिल्कुल एंड टू एंड परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हम यहाँ पे। आपने देखा कि कितनी लिफ्ट हो गई मेरी बाइक,
और ऐसे खतरनाक, जबकि स्टैंडर्ड मोड लगा है। अगर ये ए मोड होता तो क्या होता आप समझ सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल भी किस हद तक काम कर पाया पता नहीं, लेकिन मजा बहुत आया हमें। ठीक है, भगा के और सारी बाइकें हमारी पीछे रह गई हैं, लाइनअप हो रही हैं वापस से। इधर से एक बार और करेंगे, मजे लेंगे बाइक के। यार सुपर बाइक चलाने का ना मजा ही अलग है। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि बाइक चेंज कर लूं। कुंदन भाई धोखा खेल गए हैं हमारे साथ। ये बाइक पावर की नहीं है, ये बाइक आदमी की कैपेबिलिटी की है और बाइक की स्टेबिलिटी की है। क्योंकि अभी हम में से कोई भी राइडर इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मोटो जीपी में रेस करता रहा हो, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ मज़े के लिए ट्रैक कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये, अगर बहुत स्टेबल होती तो मैं आगे रहता, लेकिन उतनी स्टेबल नहीं थी मेरे से, तो इसीलिए मैंने इसे धीमा कर दिया। और जैसे ही धीमा किया और कुंदन भाई आगे निकल गए और कुंदन भाई ने फ़ायदा उठा लिया बिल्कुल यहाँ पर और जीत गए। अब हमें ये दे दीजिए, बाकी एक बार और हम चेंज करेंगे राइडर वगैरह। इस बार मैं ये चलाऊंगा, इस बार तुम जीतो, एक बार मुझे चला ले। तो कुंदन भाई ने बाइक दी नहीं हमें, तुम भी करो, समझ रहे हो, चले। बैटल मेरी थी अंत तक, जब तक मैंने एक्सीलेटर धीमे नहीं किया कोई आगे नहीं निकला। देख रहा हूँ इस बार बाइक बिल्कुल बैलेंस रही, मतलब अगर एक हफ्ते तक ये बाइक रहे तो बिल्कुल कंट्रोल्ड हो जाएगी और परफेक्ट लॉन्चिंग आ जाएगी मेरे हिसाब से। आज दिन बहुत लाजवाब है, मजेदार है, समझ रहे हो, क्या मजा आया भाई, एकदम एक नंबर फील। ओ भाई साहब, तो रोक लेते हैं यहाँ पे। ओ भाई साहब, देखा भाई साहब, सबसे फास्ट है ये, और इस बार बिल्कुल स्टेबल निकली है। सही से चलाना आना चाहिए, सही से चलाना। एक हफ्ते अगर बाइक कंटिन्यू चलाए तो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। बढ़िया निकली है रॉकेट। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया MT09 को मैंने जो लॉन्च किया एकदम तगड़ा, इस बार बिल्कुल परफेक्टली लॉन्च हुई, बिल्कुल स्टेबल रही बाइक, बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं हुआ। जब मैंने थ्रॉटल छोड़ा उसके बाद कुंदन भाई आगे आए, G900 आगे आए, मतलब G900 सेकंड आई, थर्ड आई, फोर्थ आई। तो आपको पावर का आइडिया हो गया होगा कि किसमें कितनी है, और हम लोग ने बहुत मजे लिए हैं इस रेस में। और ऐसी ड्रैग रेस और आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया, वरना बहुत कुछ मिस करने वाले हो। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, फॉलो करोगे तो अच्छा अच्छा कंटेंट वहां भी मिलता रहता है, बहुत सारी स्टोरीज अपडेट आते रहते हैं, आपको पता चल जाएगा जल्दी। तो फटाफट फॉलो कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।